टाइगर 3 मूवी देखी आपने? यस भाई, थोड़ी देर पहले देखा, बहुत ही शानदार है, एक नंबर यार, मान गए यार, क्या थिएटर के अंदर मतलब गूंज रही है, आप देखोगे ना बहुत ही शानदार, मतलब इंदौर के थिएटर में आओ आपको पता चलेगा, लोखंड एक नंबर, मान गए, बहुत ही शानदार है। मूवी में क्या खास लगा आपको? मेरे को इस फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार लगी, और प्लस इसकी फिल्म की कहानी के साथ साथ एक्शन और जो VFX है, जो कलर ग्रेडिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा दिल छुआ मेरे को, क्योंकि सलमान खान को लोग हल्के में ले रहे थे कि सलमान खान में वो दम नहीं रहा, बॉलीवुड का सिर्फ एक ही बाप है, वो है किंग खान। माना कि किंग खान बाप है, लेकिन सलमान भाई भी उसी लेवल पे है, समझना ना। तो इस फिल्म को शाहरुख खान का कैमियो कैसा लगा? फाड़ एक नंबर, मतलब उनकी जब एंट्री होती है तो भाई बहुत ही शानदार छा जाता है। इसके थोड़ा सा स्पॉइलर दूंगा, ये है कि इसमें पठान वाले सीन को रिक्रिएट किया गया है, मतलब कि उसमें शाहरुख खान घायल बैठे रहते हैं, सलमान खान मारते हैं, इसमें क्या है, सलमान खान घायल बैठे हैं, शाहरुख खान मार रहे हैं दुश्मनों को, तो वही बॉन्डिंग देखने को मिली है। और उसी तरह वो जब उनके बीच जो बात होती है, गॉसिप जो होती है, जो थोड़ा बहुत कॉमेडी होती है, उसको देख के ऑडियंस के मुँह में सच में हंसी आएगी, क्योंकि बहुत हंसे हैं हम लोग उनकी आपसी बात देख के। और बाकी सीरियस फिल्म है, क्योंकि उनकी फैमिली पे बात आ जाती है। सलमान इमरान हाशमी विलन के रोल पे कैसी लगी? इमरान हाशमी का रोल मतलब साइको जैसा, पागल पंथी जैसा, वो भी अपने पाकिस्तान के एक देशभक्त के रोल पे है, जो कि मतलब सलमान खान को मार करके इंडिया की पूरी वो चीज़ें पता करना चाहते हैं, क्या कैसा कहाँ कौन सी एजेंट कौन सी क्या चल रहा है, बम ब्लास्ट टाइप का ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा और यूनिक लगा। इस मूवी को 5 में से कितने स्टार देंगे? सर 5 से पूरे 5 स्टार, क्योंकि फिल्म सच में बहुत शानदार है। ओके सर, थैंक यू।